अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं एम्स्टरडम से स्विट्ज़रलैंड। सुबह के हो रहे हैं 6:30 बजे, तो अभी हम निकलेंगे। बाय रोड हम जा रहे हैं। अब ये देखें, सुबह के 6:30 बज रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है। भाई सुबह ये जर्मनी में हम एंटर हुए हैं, ये सुबह और ये टाइम क्या हो रहा है, 8 बज रहे हैं। अभी रोशनी आ रही है। और ये हाँ जी मदर भाई, ड्राइव कैसी लग रही है आपकी? ड्राइव तो भाई मस्त मस्त, माहौल मिठे चौल। ये देखें हैदर भाई, इधर भी घर वालों को नहीं छोड़ नहीं रहे, ये पीछे लेट कर लगे हुए। हेलो, ओला 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 ओला। यार देखें ये बस सिर्फ ओला ओला याद हो गया भाई, स्पेनिश स्पेनिश का ओला 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 ओला। ये देखें जनाब, ये कवरिंग बड़ी पसंद है यार मेरे को। कौन सी कवरिंग? जो बाजुओं में जो कवरिंग करे ना, ये ट्रेन का ट्रैक है बेसिकली से। हाँ ये ट्रेन का ट्रैक है ना, तो हर चीज इन्होंने बड़े सिस्टम के साथ इन्होंने बनाई भी है। ये सब जो होता ना ट्रेनिंग लेके गए आगे अपने। कहाँ से? भाई के पास, हैदर भाई के पास से ट्रेनिंग लेके गए हैं। हैदर भाई जोड़ा है, इंडिया और पाकिस्तान को भी ट्रेनिंग दे दो। अभी हम रुके हैं इधर खाना खाने के लिए। ये एक होटल है, ये रशियन क्या कहते हैं डच में है ये। इसमें मैकडोनल्ड्स की शॉप है, अभी हम मैकडोनल्ड्स खाएंगे। तो ये हाईवे पे है, मेन हाईवे पे। तो ये है मैकडोनल्ड्स। अभी हमने फिश बर्गर ऑर्डर किया है क्योंकि दोस्त कह रहे हैं कि चिकन और बीफ यहाँ का हलाल नहीं होता, तो इस वजह से उसमें कोई बहुत सी कन्फ्यूजन्स हैं, तो इस वजह से फिश बर्गर किया ऑर्डर। ये साथ में इनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। ये हमारा लंच है, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा भाई लोग, खा के फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अभी तो ये मदर भाई भी ऐसे धमार करके बरसे हैं ना खाने पे। अच्छा जी, ये अब हम शुरुआत करने लगे हैं पहाड़ी इलाके की, जहाँ पे ऊपर स्नो है। अभी भी हम ये देख सकते हैं 110 किलोमीटर और है, और इंटरलेकन एक जगह है, बहुत खूबसूरत है, सुना उसके बारे में, वो हम कल जाएंगे। अब उधर इंटरलेकन पहुँचने के लिए हमें 14 किलोमीटर बाकी है, 14 किलोमीटर। इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अल्लाह ने कैसे खूबसूरती इधर रखी हुई है स्विट्ज़रलैंड। अभी तो नहीं कहते कि यार ये खूबसूरत है। हैदर भाई, हैदर भाई आप क्या कहेंगे इस बारे में? माशाल्लाह आप कह रहे हैं हम शुरू कर रहे हैं, मतलब करीब है जहां हमको पहुंचना था, लेकिन बर्फीली पहाड़े नज़र आ रही है, अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड है। ये भाई मदर भाई भी उठ गए हमारे, मदर भाई का सर दर्द कर रहा है, उनको मैंने अचानक नींद से उठाया तो उनके सर में थोड़ा दर्द शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह पहुंच के फिर आपको मजीद वीडियो बना के दिखाते हैं। क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई। हैदर भाई, भाई ड्राइव करके कैसा लग रहा है? हैदर भाई को कुछ मत डिस्टर्ब करो, गाड़ी चला रहे हैं, एंजॉय करने दो। हैं हैदर भाई को बिल्कुल, जो सुना साइड में जो खाई नजर आ रही है ना, हाँ
उसको देखना नहीं चाह रहा हूँ, इतना प्यारा गिर गया। मुझे गाड़ी चलाना प्लीज। चलाओ चलाओ गाड़ी चलाओ आप। ये भाई जरमट कितनी दूर है? 90 किलोमीटर। कितना? 90 किलोमीटर। स्पीड लिमिट कितनी है? स्पीड लिमिट 80 है भाई। हाँ तो आराम आराम से जाओ बस। ठीक ही है। किसी को आगे से चुम्मी ना दे देना बस। स्विट्जरलैंड की चुम्मी बड़ी एक्सपेंसिव लगेगी फिर। क्रेडिट कार्ड आपका ही है? ये देखें कैसे इन्होंने खूबसूरत घर बनाए हुए हैं सफाई के साथ, आपको कहीं पे गंद नजर नहीं आएगा। लोग ऐसे होते हैं साफ सुथरे, हमारे जैसे नहीं। हाँ कह दो इंडिया पाकिस्तान जैसे नहीं। इंडिया को बोल रहे हो भाई? इंडिया को ला क्यों रहे हो आप भाई? इंडिया तुम कह रहे हो ना इंडिया से पाकिस्तान बना। हाँ, तो तुम हाँ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान के लोग थे ना पहले भी वही। हाँ, हम हिंदुस्तान की नहीं, जब हम छोड़ देते हैं। हाँ लावारिस हो गई है कंट्री कोई सही। क्या बोलते हैं इधर भी उसको? देखो हैदर भाई, ये हमारा काम है। 100 मिनट तक आप सिर्फ रोड पे देखिए। हाँ ना कर लो कर लो। हमारा एक दो सवाल है भैया। कैसा सवाल है? क्या मजे के घर बने? ये होटल होंगे हैदर भाई की घर है? होटल घर गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस और इस तरह की कुछ होगा ऐसा ही ऐसे है। ये नाजरीन देखें कैसी इन्होंने एक टनल सी बनाई हुई है, वन वे छोटी। ये क्या है हैदर भाई? टनल फर्स्ट टाइम, ये टनल मैंने फर्स्ट टाइम देखी है भाई। 17 किलोमीटर कह रही है। 17 किलोमीटर ये चलेगी। वाह अच्छा इस ट्रेल पे आपने गाड़ी, गाड़ी इधर डाल दिया खड़ी करके फिर आपको ट्रेन लेके जाएगी गाड़ी समेत। वाह क्या बात है, क्या सिस्टम है। ये अब हम चलने लग पड़े हैं, ट्रेन स्टार्ट हो गई है। आई थिंक इट्स अ टनल या मजर, इट्स अ टनल और व्हाट? इट्स नॉट अ टनल और इज इट? सामने से एक और ट्रेन आई है। अबे तुम लोग को सर्दी लग रही है? हाँ बाजू से भी जा रही है। अच्छा इसी ट्रैक पे से पैसेंजर ट्रेन भी जा रही है मतलब? तभी तो रुकी हुई थी ना, वो वेट कर रहे थे। कितने गाड़ियों की जगह कैपेसिटी होगी इसमें सोचो? जितनी गाड़ी आ सके उस टाइम फ्रेम में। इनका भी अपना टाइम होगा ना, कितने टाइम स्टॉप करते हैं उसके बाद चलते हैं, तो उस टाइम में जितनी भी गाड़ियाँ आ गई।
अब टनल स्टार्टेड है, नाउ द टनल इज स्टार्टेड। See anything, bro? मैं किस चीज़ की वीडियो बना रहा है? I'm just using the car lights. ये चेक करें। I think it will be a 10 kilometer tunnel or 17 kilometer. It's a 17 kilometer tunnel. So we are going through the tunnel by using train. So we park the car in a train. You can see, wow, it's amazing, bro. It's amazing. Now the tunnel is finished, and we are now out of the tunnel. इधर देख बर्फ। This is now. Welcome to the snow. We still have time to reach to Zermatt. बस बहुत सर्दी है, -7 का टेम्परेचर है और अभी हम ये स्टेशन है, इधर से हम शटर सर्विस ट्रेन लेंगे जो कि जरमट जाएगी। हम अभी जरमट पहुंचे नहीं है, बहुत सर्दी है भाई। ये देखे पूरा अभी हम ट्रेन में घुसने लगे। We are going into the train. उधर आ जाओ। खड़े होना। हैदर भाई, आपके साथ क्या हुआ जरमट में? मेरे साथ ये हुआ भाई जरमट में के जो है सुना वखास भाई ने एक होटल बुक करवाई तो हम समझे लोकेशन पे आ गए। बड़े खुश हो गए हम लोग, जाके सबसे पहले गाड़ी फंसी स्नो में क्योंकि वहाँ कोई होटल नहीं थी जहाँ पे हमको बोला गया कि यू हैव अराइव्ड। ना बंदा ना बंदे की साथ, ना चरिंद ना परिंद, सिर्फ बर्फ ही बर्फ। फिर उसके बाद होटल को कॉल किए तो होटल वालों ने बोला भाई यहाँ पे बाय रोड बाय कार नहीं आ सकते, आप जो है ट्रेन है, ये कोई स्पेशल जगह है जरमट और यहाँ पे इस वक्त टेम्परेचर है -7 degrees। तो अभी हम ट्रेन में है, टिकट लिए हुए हैं, जा रही है ट्रेन। अभी ये शटल सर्विस है ये, ठीक है ना। अब आगे का हालचाल कल बताएंगे आपको, अभी इस वक्त हम टाइट हैं। अभी देखिए ट्रेन चल पड़ी है, आपको थोड़ा सा इसका व्यू दिखाएं। ये देखें ना प्यारा व्यू है, मुझे जुकाम हुआ हुआ, फ्लू चल पड़ा, पता नहीं। ये अभी हम उतरे हैं जरमट स्टेशन पे फाइनली। ये हर मरतबा हम कहते हैं हम जरमट पहुंच गए लेकिन पहुंचते नहीं हैं, ये फाइनली जरमट पहुंच गए। और हैदर भाई और मज़र भाई तो भाई सही तपे हुए मेरे पे क्योंकि ये जरमट जाने का प्लान तो मेरा था, स्विट्ज़रलैंड का हैदर भाई का था और सिलेक्शन मैंने की थी जरमट की। अब आगे देखते हैं जरमट में और क्या क्या होता है। तो अभी अल्लाह खैर करे, विल सी What will happen? So, after station लग रहा है, see you later. ये जरमट का मेन एंट्रेंस है, इसमें ये शॉप्स देखें और ये स्टेशन, ये छोटी छोटी टैक्सीज।